इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर हैं रेडिसन ब्लू, आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए प्रचार थमा। सातवें दौर में यूपी की 13 सीटों पर मतदान, कल तैयारी पूरी। पीएम मोदी ने मतदान से पहले जारी किया वीडियो संदेश, कहा काशी के लोग 1 जून के दिन बनाया नया रिकॉर्ड। सातवें चरण के लिए आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां, दी जाएंगी मेडिकल किट। बेबी केयर अस्पताल अग्निकांड में दोनों आरोपी डॉक्टरों की बड़ी मुश्किलें, 13 जून तक न्यायिक हिरासत बढ़ी। बिहार में लू का कहर, 4 जिलों में 25 लोगों की गई जान, चुनावी ड्यूटी पर आए कर्मचारी की भी मौत। कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल का जीत का दावा, कहा यूपी बिहार में पिछड़ेगी भाजपा। विश्व कप में भाग लेने न्यूयॉर्क रवाना हुए विराट कोहली, जल्द भारतीय टीम से जुड़ेंगे। जर्मनी से बेंगलुरु पहुंचे प्रज्वल रेवन्ना, सीआईडी ने किया गिरफ्तार, पूछताछ के लिए सीआईडी ऑफिस लाया गया। टी20 विश्व कप को शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन का वक्त बचा है। इस टूर्नामेंट में फैंस भारत और पाकिस्तान के बीच 9 जून को होने वाले मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस मैच से पहले ही भारत और पाकिस्तान के दो दिग्गज क्रिकेटर आमने सामने आ गए हैं। दरअसल सुरेश रैना ने पाकिस्तानी टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी के संन्यास को लेकर तंज कसा था, इसके बाद दोनों में विवाद हो गया। भीषण गर्मी में लू से 2 शिक्षकों की मौत, बिहार में चुनावी ड्यूटी से लौटते समय तोड़ा दम। स्वाति मालीवाल केस में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले विवा कुमार की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सभी 34 आरोपों में दोषी करार, सजा पर 11 जुलाई को होगी सुनवाई। खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार, फिर एक बार मोदी सरकार। शिक्षा देश का गौरव है और आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी शिक्षा का उद्रम है। आरकेडीएफ में सवारे अपना भविष्य, PhD MPhil करे अपने पसंदीदा विषय में, सर्टिफिकेट डिप्लोमा के 74 कोर्सेज, आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी। अमेरिका में रेड फ्लैग अलास्का अभ्यास में हिस्सा लेगी भारतीय वायुसेना, राफेल फाइटर जेट दिखाएंगे दम। पाकिस्तान ने चीन की मदद से अंतरिक्ष में भेजा पॉक्सेट MM-1 उपग्रह, बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी का दावा। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान को बड़ी राहत, 9 मई हिंसा से जुड़े 2 मामलों में हुए बरी। रूसी क्षेत्रों में कम दूरी के हमलों के लिए अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल करेगा यूक्रेन, बाइडेन ने दी मंजूरी। सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय शांति दूत का UN ने किया सम्मान, मरणोपरांत दिया डैग हैमरस जॉल्ट पदक। पाकिस्तान ने एक भारतीय महिला और उसके नाबालिग बेटे को वाघा बॉर्डर पर भारतीय सुरक्षा बलों को सौंप दिया है। बताया गया है कि दोनों मानव तस्करी का शिकार हुए थे और वर्ष 2023 में अवैध रूप से पाकिस्तान में घुस आए थे। दोनों को क्वेटा की एक जेल में रखा गया था। महिला का नाम वाहिदा बेगम और उसके नाबालिग बेटे का नाम फैज खान बताया गया है। सजा पूरी होने के बाद दोनों को वाघा बॉर्डर पर भारतीय सुरक्षा बलों को सौंप दिया गया है। इसराइल ने रफा के समर्थन में आए लोगों से किया सवाल, पूछा 7 अक्टूबर को आपकी निगाहें कहां थी। मिजोरम में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी, 28 हुआ मौत का आंकड़ा। पंजाब के चंडीगढ़ एयरपोर्ट परिसर के अंदर झाड़ियों में लगी आग, मौके पर फायर ब्रिगेड मौजूद। बिहार का 3 लाख का इनामी अपराधी ओंकार सिंह उर्फ रंजय कुमार को STF ने किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में खाई में गिरी शिवखोरी मंदिर जा रही बस, 13 यात्री घायल। उत्तराखंड में अक्टूबर के आखिरी तक लागू हो सकता है UCC कानून, नियमावली और प्रशिक्षण में लग रहा है वक्त। हल्द्वानी का अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया बनमीत गिरफ्तार, ED ने 7 दिन की कस्टडी रिमांड में भेजा।